नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज के बारे में, ये सिक्स्थ वीडियो है। इन वीडियोस के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको जो क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं, किस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे, क्या मेथड हम यूज़ करें जिससे कि हमारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएँ और हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएँ। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि नेहाज वेट इज़ 140% ऑफ टीनाज वेट, मीनाज वेट इज़ 90% ऑफ द लीनाज वेट, लीनाज वेज ट्वाइस एज मच एज टीना। इफ नेहाज वेट इज़ एक्स परसेंट ऑफ मीनाज वेट, देन एक्स इज इक्वल टू। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर हम मान लेंगे टीना का जो वेट है वो 100 है, तो भाई जो लीना का वेट है वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो मीना का वेट है वो 90% है लीना के वेट से, मतलब कि इसका 90% कितना होगा, 180 हो जाएगा। बात समझ में आई? और जो नेहा का वेट है दैट इज़ 140% ऑफ टीनाज वेट, तो टीना का 140% कितना हो जाएगा, 100 का, तो वो 140 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है किसके बीच में रिलेशन, नेहा और मीना के बीच में। तो पूछ रहा है कि नेहा और मीना के बीच में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों साफ साफ दिख रहा है 14/18 का रिलेशन है। कितना है, 14/18 का, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 2 7 ज़ा और 2 9 ज़ा, 9 7 ज़ा 63। तो जहाँ भी 7 आ रहा है वो आपका आंसर होगा, तो बी में 7 आ रहा है, तो बी इज़ द आंसर। बात समझ में आई है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है हमें और कितना लिखना है जिससे कि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए और हमारा टाइम वेस्ट भी ना हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, द नेट इनकम इज़ रिड्यूस्ड बाय 1%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज़। तो माना कि सपोज़ उसकी इनकम 100 रुपये थी, उस पर टैक्स लगा एक्स परसेंट का, तो उसकी नेट इनकम कितनी हो गई भाई, 100 माइनस का x। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर इनकम टैक्स जो है वो, ये इनकम टैक्स है, अगर इनकम टैक्स का जो रेट है वो 19% कम हो जाए, इनकम टैक्स अगर 19% कम हो जाए, तो मतलब कि 19% ऑफ एक्स, तो उसकी वजह से जो नेट इनकम है वो 1% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब कि 1% ऑफ 100 माइनस का x हो जाएगा। बात समझ में आई है, 19% निकालेंगे अगर x का, दैट इज़ इक्वल टू 1% ऑफ नेट इनकम, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है। तो सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 19x इक्वल टू 100 माइनस x, मतलब कि 20x इज़ इक्वल टू 100। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी, 5 इज़ द आंसर। बात समझ में आ रही है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम 100 kg फ्रेश फ्रूट। तो भाई हमारे पास बोल रहा है कि जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उसमें 68% तो वाटर है, तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है 32% क्या बचा होगा उसमें, ड्राई फ्रूट मतलब जो पल्प होता है वो बचा होगा। अब जो ड्राई फ्रूट है उसमें 20% तो पानी है, तो 80 जो है वो पल्प बचा होगा। ठीक है, मैं इसको काटता हूँ तो 2 3 ज़ा और 2 4 ज़ा। ठीक है, टू ये 4 से काट दूंगा, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 और 4 8 ज़ा 32। तो दोस्तों ऊपर देखो, ऊपर 8 है नीचे 80 है, पल्प तो चाहे फ्रेश फ्रूट है चाहे ड्राई फ्रूट हो, पल्प मतलब कि गूदा, तो जो पल्प है वो तो चाहे फ्रेश फ्रूट हो चाहे ड्राई फ्रूट हो, पल्प तो दोनों में इक्वल ही होना है। तो नीचे 80 है ऊपर 8 है, मतलब कि ऊपर मैं 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 10 से मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया जो हमारा फ्रेश फ्रूट है उसका वेट कितना है, 170 प्लस 80 मतलब कि 250। तो 250 kg अगर मैं फ्रेश फ्रूट ले रहा हूँ तो मुझे उससे 100 kg ड्राई फ्रूट मिलता है, अगर मैं 250 kg फ्रेश फ्रूट ले रहा हूँ तो उससे मुझे 100 kg ड्राई फ्रूट मिलता है। बात समझ में आ रही है, ध्यान रखना, जब मैंने 250 kg, 250 kg मतलब 250 kg मैंने फ्रेश फ्रूट लिया, उससे मुझे 100 kg ड्राई फ्रूट मिला। पूछ रहा है हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg, तो भाई 100 kg से कितना मिलेगा मुझे, 100/250×100। बात समझ में आई, करेंगे सॉल्व, 2500 का 100 तो मतलब कि 40, 40 kg ड्राई फ्रूट मिलेगा अगर हम 100 kg फ्रेश फ्रूट लेते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अगला। 8% ऑफ द वोटर्स इन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट, इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स डिफीटेड द
कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट्स, द नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन। तो मान लिया कि वोटर्स एक्स हैं, 100 मान लो, या तो भाई अगर 8% वोटर नहीं वोट कास्ट कर रहे हैं तो मतलब कि 92% वोटर ने वोट कास्ट किया होगा। बात समझ में आती है। अब इसमें से 48% तो कौन ले गया, जो विनिंग कैंडिडेट है, 48% तो उसके पास चले गए, तो बचा कितना, 44% आया लूज़र के पास। तो कितना डिफरेंस हुआ भाई, 4% का। तो 4% जो वोट हैं दैट इज़ इक्वलेंट टू कितना, 1100। बात समझ में आई। तो 1 इज इक्वलेंट टू कितना आ जाएगा भाई, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दुनी 8, 4 7 28, 4 5 20, तो 275 जहाँ भी आ रहा है वो हमारा आंसर है। तो डी इज़ द आंसर। बात समझ में आई। 8% ने वोट नहीं दिया, बचे कितने, 92% बचे। 92% में से 48% जो है वो गया विनर के पास, और जो 44 है वो गया लूज़र के पास। इनका डिफरेंस कितना आया, 4%। 4% इज़ इक्वलेंट टू 1100। तो यहाँ से हमने निकाल लिया 1 का रेशियो कितना आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 27500, वो आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया आज क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।